अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने आज नसीराबाद क्षेत्र के पीसांगन में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर देहात कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, रामनारायण गुर्जर, शिवप्रकाश गुर्जर आदि ने एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी को विजयी बनाने का आह्वान किया। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी का अजमेर से पीसांगन मार्ग पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर स्वागत किया। ट्रंप को प्रचार करवा गया, याद है? 5-10 लाख लोगों की मीटिंग की थी, सब गुजराती गुजराती अमेरिका में किराए लगाए और नाम सुना पेड़ा की तम और भाषण दियो का मोदी जी बहुत जोरदार भाषण दिए और ट्रंप आ रही ऑस्ट्रेलिया में जार भाषण दियो, ऑस्ट्रेलिया में भाषण दियो वो प्रधानमंत्री आ रहे, 7 देशों में गए, 7 जगह भाषण दिए। बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी एकता के साथ और 36 कौम ने साथ ले लिया, क्योंकि नाम के पाछे कई लिखोड़ो लिपापन कर दिया। कोई भी आदमी किसी ना किसी जाति बिरादरी को तो हो तो आपने नाम के पीछे आकाई लिखोड़ो लिपन नहीं जानो, एक तो नाम ही रामचंद्र जी है, भगवान श्री राम को नाम है। तो आप सब लोग आने हमारे 26 तारीख का बड़ी एकता बड़े जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के हाथ को सामने वाला बटन दबा रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दियो, क्योंकि रामचंद्र जी अपना अजमेर लोकसभा क्षेत्र की आवाज ने मजबूती उठा सके और बड़ी तगड़ी कमेटी कर ला होता मेरे विश्वास। साथियों, मैं आपने इसी पर धन्यवाद दे बचूं, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में शायद आज तक पंचायत समिति पिसांगणों को लीड नहीं लिए, मैंने आप लोग 4300 वोटों की लीड दे, मैंने आशीर्वाद आप लोग को दिया हो तो मैं जीवन भर नहीं बोल सकू, मरते दम तक आपको जो आशीर्वाद हो एहसान आपको बेटो हमेशा याद रहेगी और मरते दम तक आपको कर चुका है, आपने विश्वास दिलाऊ चाहूँ।